हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ईवीएम केंद्र में अनियमितता पाए जाने पर एक कांस्टेबल निलंबित व तीन कांस्टेबल लाइन हाजिर। ईवीएम केंद्र में अनियमितता व अनुपस्थिति पर एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है, वही तीन अन्य को लाइन हाजिर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते व जिला पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने आज रविवार जिला मुख्यालय स्थित ईवीएम केंद्र का औचक निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि एसपी अग्रवाल ने अनुपस्थित रहने वाले कांस्टेबल तुलझा राम को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया, वही अनियमितता पाए जाने पर तीन अन्य को लाइन हाजिर कर दिया। हालांकि मामले को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।